तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं KTM RC 125 की प्रॉब्लम के बारे में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों हर बाइक में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो दोस्तों आज हम इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, इसका सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है तो यार इसका प्राइस सेगमेंट, यार इसका प्राइस सेगमेंट तो हद कर दी है। 1,45,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है हमारे झारखंड। अब यार आप ही सोचो, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया जब तुम खर्चा करोगे तो क्या KTM ही खरीदोगे, वो भी 125cc का बाइक। 125cc का बाइक याद करना मेरे दोस्त, 125cc। ठीक है, मान लिया कि आप बाइक का लुक्स आपको पसंद है, आपका बचपन से ड्रीम है कि हम KTM RC ही लेंगे, तो अच्छी बात है यार, ले लो, आप जरूर लो। लेकिन यार प्राइस सेगमेंट मैच तो करना चाहिए ना, आप जरूर लो लेकिन प्राइस सेगमेंट का एक खास ध्यान भी होना चाहिए कंपनी को ना। अगर बात करें ऑन द रोड प्राइस की तो 1,65,000 रुपये झारखंड में इसका ऑन द रोड प्राइस है। आप सोच लो, 125cc के लिए आप लोगों ने 1,65,000 रुपये खर्चा कर दिया। यार इससे जो अच्छा R15 V3 है, अगर इसकी लुक्स ले लो तो काफ़ी स्पॉटी है, पावर भी RC 125 से ज़्यादा है। RC में तो आपको सिर्फ 125cc का इंजन मिलता है, जिसमें से आपको 14 हॉर्स पावर की पावर मिलती है और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और R15 V3 में तो आपको 125cc का ही नहीं, 155cc का इंजन मिलता है, जिसमें से आपको 19.3 हॉर्स पावर की पावर मिलती है और 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और दोस्तों अगर प्राइस सेगमेंट की अंतर देखें तो बस 1 से 2 हज़ार रुपया, सोचो 1 से 2 हज़ार का अंतर है और आपको इतना ज़्यादा फायदा मिल रहा है। R15 V3 का ऑन द रोड प्राइस 1,64,000 है और RC का 1,65,000 है। लेकिन सब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भले ही प्राइस है लेकिन 125cc होने के कारण माइलेज ज़्यादा मिल रहा है, मिल जाएगा, तो यार ऐसा नहीं है। सेम ड्यूक 125 का ही इंजन लगाया गया है, तो माइलेज भी आपको तो सेम ड्यूक 125 से ही मिलता जुलता मिलेगा ना। R15 45 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, लेकिन RC 125 जो है वो 45 से 50 किलोमीटर की माइलेज देती है। यार तो सोचो ना, 155cc में आपको 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता तो क्या दिक्कत है। और मैं इतना स्योरिटी से कैसे बोल रहा हूँ आपको पता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त के पास भी ये गाड़ी है, तो मैं चेक किया हूँ, इसीलिए मैं इतना स्योरिटी से आपको इतना कुछ बता रहा हूँ, इसका डिमेरिट और इसका प्रॉफिट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर KTM कंपनी इसका प्राइस कम कर दे, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बाइक आप सभी के लिए फायदे की चीज़ है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताइए कि KTM RC लेना क्यों पसंद करोगे और R15 V3 लेना क्यों पसंद नहीं करोगे। और दूसरा डिसएडवांटेजेस की बात अगर हम लोग कर ले तो दूसरा डिसएडवांटेजेस में आपको देख सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। अगर हम बात करें KTM RC 125 की तो इसमें दोस्तों आपको सिंगल चैनल ABS में सिर्फ एक ABS मिलेगा। और वहीं सेंसर की बात करें तो सेंसर तो कहीं एक एक है साइड स्टैंड में, बाकी कहीं सेंसर नहीं है। अब सोचो यार, ब्रेकिंग सिस्टम ने भी मजाक कर दिया हमारे साथ, मतलब हद हो गई, ब्रेकिंग सिस्टम भी सही नहीं है तो फिर हम क्यों 1.5 लाख रुपया इसमें लगाएंगे। हमको बस सिंगल चैनल ABS मिलेगा, क्या उससे अच्छा तो RC 200 ना है, जिसका ABS मिलेगा उससे अच्छा तो प्राइस सेगमेंट में भी आपको कम से कम डुअल चैनल ABS भी मिल जाएगा। माना कि सेंसर है, सेंसर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लेकिन डुअल चैनल ABS की बात ही अलग है। डुअल चैनल ABS में आपको हमारी पूरी सेफ्टी का विश्वास रहता है कि यार मैं गिर नहीं सकता, लेकिन सिंगल चैनल ABS में आपको थोड़ा ट्रस्ट होता है। लेकिन ठीक है, सिंगल चैनल ABS काफ़ी अच्छा वर्क करता है, लेकिन 1.5 लाख के हिसाब से सिंगल चैनल ABS में डिस्क का कोई एडवांटेजेस आपको क्या दिख रहा है बताइए। R15 का स्पोर्टी लुक देखिए कितना अच्छा है, पिलियन भी अगर बैठेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये देख सकते हैं बैजिंग वैजिंग के साथ सारा कुछ इसमें दिख रहा है, मतलब अगर कहीं ना कहीं देखें तो इसका जस्ट लाइक CBR के जैसा इसका लुक लग रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि R15 ख़राब है और KTM सही है, KTM का भी लुक काफ़ी स्पॉटी है, अच्छा है देखने में, लेकिन प्राइस सेगमेंट तो मैटर करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।